सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में। मैं श्वेता सेंसिया प्रार्थना भवन टीवी की ओर से, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रीत अनंत जी, जो कि एक BAMS डॉक्टर हैं और मैक बायो पंचकुला में डॉक्टरल एडवाइज़र हैं, और इसके साथ ही पटियाला में फैमिली डाइट और एक्सरसाइज का क्लिनिक भी चला रही हैं। और आज ये हमारे साथ हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ फैक्ट्स को, कुछ अपडेट्स को बताने के लिए। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर जयप्रीत अनंत जी का इस प्रोग्राम में। तो जानते हैं इनसे इस पैंडेमिक से जुड़ी, इस महामारी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों को। तो डॉक्टर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आप एक डाइटिशियन भी हैं, और हम ये बात आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान हमें कैसा डाइट शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोरोना वायरस के बारे में बताएं कि एक्चुअली ये है क्या, व्हाट इज़ इट एक्चुअली, और इससे कोई कैसे कंटेमिनेटेड हो सकता है, ये कैसे फैलता है। सबको जय मसीह की। सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना जो होता है ये एक ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा वायरस है जो हम सबको पता है, ये एनिमल वायरस कन्वर्ट हुआ है ये, और ये बड़ी तेज़ी से जब चाइना से ये ग्रो किया है और सब तरफ फैला है, तो सब लोगों के अंदर ये एक बड़ा मिथ आया कि ये एक जानलेवा बीमारी है और ये मार देगी हर एक को, और जो इसके टच में आएगा, जो इसे छुएगा, वो भी मर जाएगा। ये छूने वाली, टच होके मरने वाली बीमारी नहीं है, ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें कैच होता है। आपकी नोज से आप इसे जब लेते हैं, आप हवा लेते हैं और उससे ही आपकी नाक के अंदर, आपके ब्रिथ सिस्टम में जाता है। ये उसके टच में आने से आप उससे इन्फेक्टेड हो सकते हो, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये अटैक करता है। आप उस वायरस को कैच कर लेते हो जब आप कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में होते हो, ना कि आप सिर्फ हर एक खांसने छींकने वाले के संपर्क में होते हो, ऐसा नहीं, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में जब होते हो। तो डॉक्टर, जैसे देखा गया है कि आजकल लोग आम खांसी जुकाम वाले लोगों से भी दूरी बनाकर रख रहे हैं, तो आप हमें कोरोना वायरस और जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड फ्लू है उसमें क्या अंतर है ये हमें समझाएं, और उससे हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं, या ये मिसकंसेप्शंस हैं। हाँ जी श्वेता, अकॉर्डिंग मी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कफ, कोल्ड और कोरोना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये भी एक वायरस इन्फेक्शन है, और आम जो खांसी जुकाम घरों में होता है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। अगर वो किसी को होता है तो उससे भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही इन्फेक्टेड होता है, और अगर कोरोना है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही अटैक करता है, उसके भी सेम लक्षण नज़र आते हैं। अगर आपके सामने कोई इंसान आता है और उसको खांसी जुकाम है, आप एकदम से देखते ही नहीं उसको कह सकते कि उसको कोरोना है। बिल्कुल। और कोरोना पॉजिटिव हम उसी को मानेंगे जो टेस्ट में डिक्लेयर हुआ है कि वो पॉजिटिव है, अदरवाइज हम हर एक पेशेंट से नहीं डर सकते कि ये जो है ये पक्का कोरोना को ही लेके आया है। क्या कोरोना आने से पहले ऐसे पेशेंट्स नहीं आते थे? तब भी तो ऐसा होता था, तब भी तो सोसाइटी के अंदर चेंजिंग सीजन होने के ऊपर या कुछ भी मौसम वेदर बदलने के ऊपर कई बार हो जाता था, और कई बार हमारे पुराने जो हैं वो ये बात समझाते थे कि अगर घर में एक को खांसी जुकाम हुआ है तो उससे थोड़ा दूर रहो, उससे परे रहो, ताकि उसको भी टच ना कर जाए। तो ये भी वही बात है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसको इतना भयानक रूप इसे दे गया कि हर कोई इससे बहुत ज़्यादा डर गया। लेकिन इतना डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और श्वेता क्लियर करना चाहूँगी कि जितनी कोरोना से डेथ दिखाई जाती है उतनी है नहीं। आपको मालूम है कि जो टीबी है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, उससे रोज़ 4,000 लोग मरते हैं। जो कार्डियक पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, वो रोज़ 1300 मरते हैं। जो कैंसर के पेशेंट है वो तकरीबन 1400 के आसपास, 1300-1400 पर डे डेथ रेट है उनकी इंडिया के अंदर। जी, तो हम ये समझें कि ये उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हमने उसको महामारी तो नहीं डिक्लेयर किया, उसको तो हमने नहीं बोला कि हाँ ये बहुत डरने की बात है, आपको इससे डरना चाहिए। लेकिन हम इस बीमारी को इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, इतना कम्युनिकेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल के ऊपर नेगेटिव सुन सुन के हर इंसान को अपने अंदर वो सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बात सिर्फ ये होती है, अगर आप पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ सुनोगे कि ये हार्ट पेशेंट आज इतने मर गए, आपको सच में शाम को अपने अंदर वही सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे जो आप टीवी पे देख रहे हो और सारा दिन आप सुन रहे हो। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इसको इतना ज़्यादा स्प्रेड किया गया, इतना ज़्यादा इसके बारे में नेगेटिव बोला गया, इतना भयंकर रूप से इसे दिखाया गया, तो हर कोई अगर उसे थोड़ा सा भी कफ कोल्ड होता था तो वो एकदम से डॉक्टर्स के पास चला जाता था, और अगर डॉक्टर भी आगे से डरे हुए हैं तो वो भी उसे बोल देंगे कि हाँ आप जाइए और जाके टेस्ट करवाइए, और अगर वो पॉजिटिव निकल आया तो वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा तो
क्वारंटाइन हो जाएगा और वहाँ से एक डर का माहौल, एक फोबिया, उसे अलग किया जाता है, उसे सोसाइटी से अलग किया जाता है, फैमिली से सेपरेट किया जाता है। आधे लोग तो मुझे लगता है वो इसी तरह से स्ट्रेस में आके वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो आपका कहना है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग डर के कारण ज़्यादा मर रहे हैं, एक फोबिया, एक जो साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट होता है इंसान का, उसकी वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप आज टीवी के ऊपर बहुत सारी और किसी बीमारी के बारे में बोलेंगे तो शाम तक सभी लोगों को वैसे ही सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अगला जो मेरा प्रश्न है वो आपसे ये है कि हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि काफ़ी लोग हैं जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और वहाँ अक्सर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो आते रहते हैं, तो उन लोगों में खतरा बहुत बढ़ जाता है कंटामिनेटेड होने का। तो अगर हम किसी कंटामिनेटेड पेशेंट को देखते हैं, अगर वो कहीं पे छींकता है या खांसता है या उसने किसी चीज़ को छुआ है, तो वहाँ पर ये जो वायरस है वो कब तक लास्ट करता है, कब तक वो वहाँ पे जीवित रहता है? श्वेता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कई लोगों को ये जानना होता है कि ये वायरस अगर है तो इसकी लाइफ कितनी है, ये कितनी देर तक जीवित रहता है, अगर किसी ने खांसा और छींका हमारे सामने तो वो वहाँ पर कितनी देर तक जिंदा पड़ा हुआ है। तो अगर वेदर जो है वो बहुत ठंडा है तो उसमें ये 8-10 घंटे तक ग्रो करता है, ज़िंदा रहता है, लेकिन अगर गर्मी है तो वो 4-5 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं कि हम 24 घंटे नेक्स्ट 24 आवर्स भी हम उस चीज़ को रगड़ते रहें और साफ़ करते रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो 4-5, और आजकल तो गर्मी बहुत है तो वो 3-4 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है। जी, तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएँ कि इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ठीक है श्वेता, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एक ही चीज़ गवर्नमेंट की ओर से भी ये बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये रियल में मैटर करता है आपका। अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके सामने आता है और आप उसके बहुत करीब रहते हो और वो आपके साथ ही बैठा हुआ है और आप उसकी टेबल के साथ ही सारा दिन, वो ऑफिस में भी आप काम कर रहे हो और घर में भी आप उसके संपर्क में हो, तो आपको प्रिकॉशन रखना होगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग है, आप को 1 से 2 मीटर की दूरी पे ही रहना होगा, ये प्रिकॉशन तो सरकार ने भी बोले हैं। सेकंड जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बोला गया है, मास्क लगा के रखना। तो ये चीज़ें क्या हमने बचपन से नहीं सीखी हैं कि अगर खांसना है, अगर छींकना है तो हमने हैंकी रख के छींकना है, हमने टिश्यू पेपर रखना है, और अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हमने अपनी बगल में खांसना है ताकि इसके जो वायरस, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो सामने वाला उसको कैच ना कर पाए। थर्डली, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमें जब भी किसी इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसे ज़रूर जो है डॉक्टर के पास जाने से भी पहले उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे सनलाइट में रहना चाहिए, उसे फ्रेश एयर में जाना चाहिए। यहाँ पे तो ये है कि हम उसकी जो है फ्रेश एयर और ये सब बंद कर देते हैं, उसको हॉस्पिटल में बंद करके या उसको एक कमरे में बंद करके, लेकिन आपको पता है कि नेचुरल डॉक्टर जो है वो ईश्वर ने हमें दिया है एयर। आप ताज़ी हवा में आप सांस लीजिए, आप सनलाइट लीजिए जिससे कि कीटाणु ख़त्म होते हैं। तो प्रिकॉशंस में ये प्रिकॉशंस मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक पेशेंट को आप बोलें कि वो छत पे जाए, वो ताज़ी हवा ले, वो ग्रीनरी में बैठे, वो प्लांट्स के पास बैठे जहाँ से उसे फ्रेश एयर मिले और फ्रेश उसे ऑक्सीजन इनटेक वो कर सके, और उसकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए उन दिनों में। एक्चुअली हॉस्पिटल में जाने से मुझे ऐसा लगता है कि डाइट उतनी अच्छी नहीं मिल पाती उनको, वहाँ पे मेडिसिंस दी जाती हैं और जो मेडिसिंस दी जाती हैं वही, आपको मालूम नहीं है शायद श्वेता, उसमें वो मेडिसिंस दी जाती हैं जो HIV पेशेंट्स को दी जाती हैं, और वो मेडिसिंस कहीं ना कहीं इतना नुकसान करती हैं, वही लंग्स को और हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, और फिर हम कहते हैं कुछ दिन बाद कि उसकी डेथ हो गई है या उस पेशेंट की डेथ हो गई है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हॉस्पिटल में जाके आपको देना क्या है, ऑक्सीजन देनी है, आप वही पेशेंट को घर में क्यों नहीं ताज़ी हवा में रखते कि वो वहाँ से ऑक्सीजन का इनटेक ले ले, आप घर में क्यों नहीं उसे अच्छी डाइट दे देते कि वो अपना और ज़्यादा ध्यान रखे, उसे फ्रूट्स दो, उसे वेजिटेबल्स दो, कुछ दिन में वो रिकवर कर जाता है। लेकिन ये इतना एक माहौल ऐसा बनाया गया कि जो लोग हॉस्पिटल में गए, और कई तो आप आए वापस, कई तो ठीक होके आए हैं, लेकिन कई नहीं आए स्टार्टिंग में वापस, वो उसकी वजह सिर्फ कोरोना नहीं थी, उसकी वजह जो थी वो कई और डिजीज़ होती हैं, और फैमिली से सेपरेट होना, स्ट्रेस में जाना, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं जो लोगों को वहाँ पर डिप्रेस करती हैं, और चीज़ों की भी दवाई उन्हें नहीं मिल रही होती जो वो ले रहे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी वजहें होती हैं जो लोग डेड हुए हैं उनके लिए। लेकिन प्रिकॉशंस में
मेरे जो है वो मेन यही होते हैं कि वो बंदा डाइट ले, अपनी अच्छी डाइट ले, एक बैलेंस डाइट ले जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन हो, और वो एक्सरसाइज करे, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, वो एक डीप ब्रीदिंग करे, ऑक्सीजन को इनहेल करे, ताज़ी हवा में घूमे, अच्छे माहौल में। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे सब जने अप्रिशिएट करें, उससे बात करें, लेकिन उसको इस रीति से डराया, उसे इस रीति से एक तरह से दिखाया गया कि तू इतना अलग है। उसे लोगों ने बात नहीं की, फैमिली ने बात नहीं की, पड़ोसियों ने उससे बात नहीं की। जो पड़ोसी रोज़ बोलते थे कि आपका क्या हाल चाल है, आप दिखे नहीं, वही नेबर्स जो थे वो दरवाज़ा बंद कर लेते थे, उन बच्चों के साथ खेला नहीं जाता था। इतना भयंकर रूप हमने कोरोना का देखा है। ये एक्चुअली इतनी भयानक बात नहीं थी जितना इसे दिखाया गया। ये सिंपल एक कफ, कोल्ड और फ्लू और इन्फ्लुएंजा की तरह था, और उसी तरह से हमें लेना चाहिए था, उसी तरह से बस जैसे हमने बचपन में सीखा कि कफ कोल्ड हुआ है बेटा तू थोड़ा परे रह, दूसरे भाई बहन को भी ये हो जाएगा। फैमिलीज में यही सिखाया जाता है कि एक दूसरे से थोड़ा परे रहो, बस इसका तकिया मत यूज़ करो। वही बात इसमें थी, इतना ही अब भी प्रिकॉशन लेना था, इतना ही एजुकेट करना था लोगों को कि वो एजुकेट हो जाएं, अपने डॉक्टर खुद बने, अपनी डाइट को खुद सही करें, और वो इससे बच सकते थे। और आपको हैंड वॉश का, ये चीज़ें जो हैंड वॉश आज कंपल्शन किया गया, क्या हमें बचपन से नहीं सिखाया गया कि आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं? आपने अगर बेटा तूने अपने ये साफ़ किया, मुंह साफ़ किया, या तूने खांसी किया तो तूने अपने हाथ धोने। ये तो हम बचपन से लेके आज तक सीखते आ रहे हैं कि हाँ, अगर हमने किसी को टच किया, अगर हमने, आपको पता है गंदे नोटों के ऊपर इतना वायरस होता है, क्योंकि वो आप उसे देखो वो कितने हाथों से होके निकले होते हैं, उस पर इतना पसीना होता है, इतना स्वेट होता है। अगर हमें हर चीज़ के बाद ही हाथ धोने चाहिए, ये तो हमने वैसे ही सीखा है। इसको आज एक इतना सरकारी मापदंड बना दिया गया कोरोना के लिए, सारा दिन लोग हाथ धुले होने के बावजूद भी धोते रहे, और सैनिटाइजिंग करना जो था वो सिर्फ उनके लिए था जो लोग ट्रेवल में है, लेकिन जो घरों में है वो भी सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, आ रहे हैं तो भी, जा रहे हैं तो भी, खा रहे हैं तो भी, पी रहे हैं तो भी। ये हैंड वॉश तो हमने वैसे ही सीखे हुए थे इससे पहले कि हमें हैंड वॉश करने ही करने हैं। हम बाहर वॉशरूम से आए हैं, हमने हैंड वॉश करने हैं, हम काम अपना करके आए हैं, ऑफिस से आए हैं तो हमने हाथ धोने, ये तो हमें वैसे ही पता था। तो ये प्रिकॉशंस ही बस मेन लेने की ज़रूरत थी कोरोना के अंदर, और कुछ भी ऐसा नहीं। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, ये हर बीमारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये प्रिकॉशंस लेने, तो ये वैसे ही सबको पता होने चाहिए। जी, तो आपका मानना है कि सबसे जो ज़रूरी प्रिकॉशन है वो है पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ थोड़ा कम सिर्फ वो करें जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, बाकियों के लिए नहीं है। अगर वो पार्क में घूम रहे हैं, आप सोचो घर से वो वॉक करने के लिए आते हैं पार्क में, और पार्क में जाते हैं तो भी मास्क लगा होता है। मैं कई बार जब ये चीज़ को देख रही हूँ, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं लोगों को रोक के पूछूं कि भाई तुम घर से तो पार्क में वॉक करने के लिए आए हो, अब यहाँ पे मास्क क्यों लगाया? यहाँ तो अच्छा है, तुम्हें ताज़ी हवा मिल रही है, तुम पार्क में ग्रीनरी में घूम रहे हो। ये सिर्फ उसके लिए था जो पॉजिटिव पाया गया या जो इन्फेक्टेड पाया गया, उससे आपने थोड़ा सा दूर रहना और मास्क उसको पहन के रखना। बाकी सब मास्क के लिए नहीं बने थे, बाकियों को तो सिर्फ अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है और कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये जानकारी हमें दी है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि कोरोना वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है, हमें इससे कितना डरने की ज़रूरत है और कितना नहीं, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इससे बचने के लिए, या और भी जो वायरस हैं, जैसे ये मॉनसून सीज़न है, मॉइस्ट ज़्यादा है क्लाइमेट में, तो और भी वायरसेस हैं, इनसे बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसे कैसे बूस्ट करें? श्वेता, जो हमारी डाइट होती है वही हमारी मेडिसिन होती है। जो हम खाते हैं वही हम दिखते हैं, जो हम खाते हैं वैसा ही हमारा सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग। अगर हमने प्लेट उठाई है तो हमने ज़रूर देखना है कि मेरी प्लेट में है क्या। क्या मेरी प्लेट में सिर्फ सारा दिन रोटी, बिस्किट, चावल, बस ऐसी ही चीज़ें हैं या कुछ और भी है? हमने अपने इम्यून सिस्टम की ओर ध्यान देना है, क्योंकि आपको शील्ड, आपको प्रोटेक्ट वही करता है हर बीमारी से। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सिर्फ मैं इस बीमारी की बात नहीं कर रही, हर बीमारी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका अंदर का सिस्टम ही आपको उससे बचा के रखता है। आपको पता है इस वक्त भी हम बैठे हैं तो एयर में बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन अगर आपका सिस्टम ही वीक है, अगर आपके अंदर उससे लड़ने की शक्ति नहीं है, उस वायरस से लड़ने की शक्ति नहीं है, तो इसका मतलब आप उससे जल्दी इफेक्ट कर जाओगे, आपको वो जल्दी प्रभावित कर जाएगा, आपको जल्दी कफ कोल्ड हो जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारे वायरस हैं और हम में से दो जने बीमार हो जाते हैं और दो जने ठीक रहते हैं, इसका मतलब जो दो बीमार हुए उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, और जो दो ठीक हैं बिल्कुल, इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो हमें मेन, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा कैसे?
जो आप खाते हो उसे आपने चूज़ करना है, आपने राइट विजडम से चूज़ करना है कि मुझे क्या खाना है। आपको क्वालिटी ऑफ फूड देखना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, आपको क्वांटिटी ऑफ फूड देखना है कि मैं कितना पोषण ले रहा हूँ, आपको टाइमिंग्स देखने हैं कि मैं कब किस टाइम क्या खा रहा हूँ। आपकी फूड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे पेट भरना है, अब ये मेरे खाने का टाइम हो गया, अगर इस टाइम लंच में मुझे राइस और सैलड और चावल चाहिए, दाल चाहिए, और मैं उसकी जगह अगर समोसा बर्गर आ गया और मैं उसे ले रही हूँ, तो ये मेरा राइट पोर्शन नहीं है, ये मेरी गुड क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी अच्छी नहीं मैं अपनी प्लेट के अंदर लेके जा रही हूँ, ये मैं गलत खाना लेके जा रही हूँ जो कहीं भी मेरे इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं रखेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये ध्यान देना कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि आप बीमार ही ना पड़ो। जो लोग बीमार पड़ते हैं, मैं तो पहले ये देख के उन्हें बता देती हूँ कि आप ये खाते हो गए, और वो मानते हैं बाद में बहुत आराम से कि हम ये सब खाते हैं। तो हमारा जो खाना पीना होता है और हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारा उठना बैठना, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, कि हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या मेरी डाइट के अंदर सुबह मुझे किस टाइम क्या खाना चाहिए। हम नहीं सोचते हैं, हाँ आज क्या बना है, बस वो हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमने कभी ये नहीं अपने मन में रखा ये मेन्यू कि मुझे क्या चाहिए, कल मुझे क्या बनाना चाहिए दिन में 2 या 3 बार, और मेरे अंदर क्या गुड इनटेक जाना चाहिए। आपका वेदर कैसा है आपने देखना है। आप गर्मी के अंदर अगर गर्म चीज़ें खा रहे हो, आप दिन में वो चीज़ें खा रहे हो जो रात को खानी चाहिए, रात को आप ठंडी चीज़ें खा रहे हो, आइसक्रीम्स खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो जो आपको दिन में लेना चाहिए, तो आपका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक होगा। आप बूढ़े होते जा रहे हो और आज भी आप वो चीज़ें खा रहे हो जो आप जवानी में खाते थे, या जब आप बचपन में थे तब खाते थे, तो आप पे वो अटैक करेगी करेगी, वो आप पे साइड इफेक्ट लेके आएगी ही आएगी। तो आपको हमेशा देखना है अपने राइट फूड को, अपने क्वालिटी फूड को, अपने क्वांटिटी फूड को, अपने टाइमिंग्स को, और आपने क्या खाया, आपकी थाली के अंदर क्या है, क्या मेरे खाने के अंदर प्रोटीन्स जा रहे हैं, क्या मेरे खाने के अंदर वाटर इनटेक सही जा रहा है, क्या मेरे खाने के अंदर फाइबर है, कार्ब्स है, जहाँ से मेरा सिस्टम स्ट्रांग हो, जहाँ से मैं बीमारी मेरे को हो ही ना, वो कैच ही ना मुझे करे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आम तौर पे मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँगी, ये सिर्फ इस माध्यम से मैं बता देती हूँ कि आपके किचन के अंदर हर चीज़ पड़ी होती है, आपके किचन में हर हर्ब पड़ी है जिससे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप यूज़ करते नहीं हो। अगर आपके घर में आज आप मान लीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग अगर चाय पीते हैं, तो क्या उन्होंने चाय में कभी भी कुछ ऐसी हर्ब किचन से उठा के डाली जो उनकी चाय को भी हेल्दी बना दे, वो चाय को भी डाइजेस्टिव सी बना दे। वो चाय में चीनी जाएगी, पत्ती जाएगी और दूध जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा जी। और मैं ये हमेशा हर एक को सिखाती हूँ कि अगर आप चाय छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ सकते, तो उसमें जिंजर डालो, उसमें इलायची डालो, उसमें सौंफ डालो, उसमें दालचीनी डालो, इतनी हर्ब्स तो डालो कि वो अब चाय चाय की बजाय एक अच्छा डाइजेशन वाला आपके डाइजेस्टिव ड्रिंक बन जाए, जो आपको एक सिरप के अंदर, आप सिरप देखते हो ना डाइजेस्टिव सिरप के बाहर लिखा होता है, इसमें सौंफ है, इसमें इलायची है, क्या वो चीज़ें आप अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, आपके पास पड़ी हैं, आपके पास ऑलरेडी घर में वो सब कुछ है, हमारे अंदर वो सिस्टम में सब कुछ है श्वेता, जो हमें सही कर सकता है, लेकिन हम उसे मौका ही नहीं देते। आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर वो हीलर एनर्जी है जो हमें ठीक कर सकती है, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। हम खाते रहते हैं, सुबह का खाना खाया, दोपहर का फटाफट खा लिया, फिर हमें रात की तैयारी कर देते हैं। हम इतना खाते रहते हैं कि हम उस हीलर सिस्टम को, उस हीलर एनर्जी को टाइम ही नहीं देते कि वो हमें हील कर सके। आपको पता है कि हमारा सब बीमारियाँ गट सिस्टम से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो ये सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो जाएगा वहीं हम बनेंगे, क्योंकि हम जो फ्रूट्स खाते हैं श्वेता, वो हमें 2 से 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये याद रखिए, उसके अंदर वाटर होता है, वो हमें जल्दी हजम हो जाते हैं। लेकिन जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं जो कुक की हुई है, तो वो हमें 5 से 6 घंटे में डाइजेस्ट होती हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं, जो रोटियां, चावल, दाल होती हैं, वो 12 से 18 घंटे लेते हैं। तो आप सोचें कि तीनों टाइम लोग खाते हैं कि नहीं खाते, सुबह भी रोटी, दोपहर को भी रोटी, रात को भी रोटी चाहिए, उसके अंदर कहाँ फ्रूट्स हैं, कहाँ सैलड है, कहाँ वेजिटेबल्स गई है, वो गई भी है कि नहीं गई, इसका ध्यान किसी को नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि आप सबसे अच्छा मील सुबह का लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स लीजिए, और फिर आप अपनी एनर्जी लेवल को देखिए कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है, काम करने की एनर्जी आती है। आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट खाली पेट खाइए, कि नो डाउट हम लोग तो बहुत ज़्यादा हर टाइम हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ग्रेन्स चले जाएं, सिर्फ अन्न चला जाए, जबकि अन्न 12 घंटे बाद बच रहा है। इसका मतलब सुबह वाला खाना अभी दोपहर तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी आंतों में ही पड़ा है, फिर उसके ऊपर रोटी, चावल, दाल, फिर वो अभी पड़ा ही है, और फिर 7-8 बजे फिर।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डाइट के अंदर हमारा हाफ से भी ज़्यादा पोषण जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए और बहुत कम पोषण जो है हमारा ग्रेन्स, रोटी, चावल, दाल का होना चाहिए। हमें सनराइज से लेके सनसेट के बीच में अपना मील ख़त्म करना है, उसके बाद नहीं। जो लोग रात को 9 बजे 10 बजे खा रहे हैं वो भूल जाएं कि वो हेल्दी लाइफ की तरफ चल रहे हैं। हमें वही आदत पे आना चाहिए कि सनसेट जब होता है तो हमारा लास्ट मील उस टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसी से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, इसी से हम बीमारियों से लड़ पाएंगे। हमें या तो हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा लें या फिर हम अपने घर में ही अपने आप को हेल्दी और अच्छा रख लें। अगर आपको मेडिसिंस नहीं खानी तो अपना जो खाना है वो बहुत अच्छा सा आपको खाना पड़ेगा, बहुत वेल कुक्ड। मैं इसके ऊपर बहुत सारा आपको बता सकती हूँ, शायद आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा कि हम कुक ही पहली बात अच्छे नहीं करते। अब हमारी कुकिंग ही बहुत रॉन्ग है जिस पे हम इतना भूनते हैं मसालों को कि उसके विटामिन्स मिनरल्स सब ख़त्म हो जाते हैं। कुकिंग के ऊपर ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि हमें खाना कैसे कुक करना चाहिए ताकि हम उस चीज़ के एक्चुअली जो फ़ायदे हैं वो तो ले सकें। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारी सही डाइट से होगा। जब हमारी डाइट के अंदर अश्वगंधा, तुलसी, जिंजर, दालचीनी, हल्दी, ब्लैक पेपर, ये सब घर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वायरस से बहुत दूर रख सकती हैं। ये एंटीवायरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिन एंटीवायरल को हम दवाई के रूप में खाने जाते हैं ये वही चीज़ें हैं। हल्दी वही चीज़ है, काली मिर्च वही चीज़ है, दालचीनी वही चीज़ है, तुलसी ये सब चीज़ें, जिंजर, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके बैक्टीरियाज़ को, वायरल्स को ख़त्म करती हैं। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ही सबसे ज़रूरी होता है हमारे लिए। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया है कि बहुत से जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल केयर सेंटर्स में हैं वो बताते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, जो सीट्रस फ्रूट्स हैं, उनको खाने से हमारा ज़्यादा इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होता है, तो ऐसा कुछ है जो उसके बारे में हमें बताएं? हाँ जी, हाँ जी श्वेता, ये बात बिल्कुल सही है। विटामिन सी जो होता है, सीट्रस फ्रूट जो होते हैं, वो आंवला, ऑरेंज, मैंगोस और लेमन के अंदर होता है। ये चीज़ें लेने से हमारे अंदर विटामिन सी जाता है, और विटामिन सी हमें बहुत सारी बीमारियों के संक्रमण से हमें बचा के रखता है। हमें सिर्फ विटामिन सी नहीं, हमें सभी विटामिन्स पे ध्यान देना है, बट नो डाउट विटामिन सी जो है वो हमें ये जो इन्फेक्शन होता है उसके कैच होने से बहुत बचा के रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया है कि इस महामारी की जो जर्नी है उसका काफ़ी हद तक सफ़र हम पार कर चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशंस भी ओपन हो चुकी हैं, तो ट्रैवलिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ घर में अपनी दिनचर्या में किन किन बातों का ध्यान रखें? यहाँ पे श्वेता, मैं ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगी। हमने बाइबल में पढ़ा है डरो मत, और वो कितनी बार आता है? 365 टाइम्स। वो हर रोज़ के लिए आता है कि डरो मत, मत डरो। हम जब डरते हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, लेकिन जब हम डरते नहीं हैं, हमने प्रिकॉशंस लेने हैं लेकिन हमने डरना नहीं है। तो जितने लोगों ने जो डरे हैं और जिन्होंने उस इम्पैक्ट को लिया है, वो डर के ज़रूर किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित हो। उन्होंने कोरोना तो नहीं लिया लेकिन और बहुत कुछ लिया होगा। आपने पूछा कि सफ़र में या ड्यूरिंग आप जब जर्नी कर रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो वही प्रिकॉशंस जो मैं अभी भी आपको बता रही थी कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको एक डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक हमेशा लेना चाहिए घर से चलने से पहले। आपको एक डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक कौन सा होता है? एक ऐसी हर्बल टी, एक ऐसी चाय जिसमें दूध और चीनी नहीं होगा, जिसके अंदर कुछ हर्ब्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल जिंजर होगी, दालचीनी होगी, ब्लैक पेपर होगा, तुलसी होगी, हल्दी होगी, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक जो है आप अपनी बॉटल में कैरी कर सकते हो और इसे आप लेते रह सकते हो। ये आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाती जाएगी। आप डाइट नीट एंड क्लीन लोगे। और घरों के अंदर आप कह रहे हो कि क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, घरों में जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय करते हैं, हम लेते हैं, उसे हमने सिर्फ अच्छे से गर्म पानी से या साफ पानी से धोना होता है, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं करना। और अगर फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं तो मेरी उनको एक ही राय होगी कि वो अपना किचन गार्डन अलग से बनाना शुरू कर दें, अगर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये और भी बेटर रहेगा। उसके के ऊपर केमिकल्स ही नहीं होंगे। आप अपने घर में आपके जगह होती है, आप ग्रो कीजिए, उसके ऊपर कड़ी पत्ता लगा लीजिए, तुलसी लगा लीजिए, कुछ ऐसी हर्ब्स लगा लीजिए, गार्लिक लगा लीजिए, ये सब पालक, स्पिनच, ये सब ग्रो कर लीजिए और वहाँ से तोड़ के आप अपनी सब्जियाँ खाते रहिए अगर आपको बहुत डर लगता है। लेकिन अगर आप बाहर से डरते हो या बाहर, तो वो तो पहले भी पेस्टिसाइड्स उनके ऊपर स्प्रे किए जाते थे, केमिकल्स स्प्रे किए जाते थे, तो उनको गर्म पानी से धोना, दैट्स ऑल, बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और जो मैंने बहुत कुछ सुना है कि लोग घरों में दालें तक धोते हैं या करते हैं, तो क्या हम पहले खाना बनाने से पहले दाल नहीं धोते? धोते तो वही सिस्टम अब भी है। दाल को तब तक वॉश
वॉश करना चाहिए जब तक उसके ऊपर का वो पूरा जो पाउडर होता है वाइट वो ना उतर जाए। लेकिन ये थोड़ी है कि उसके ऊपर किसी ने हाथ, कोरोना पॉजिटिव, उसके हाथों के छूने से कुछ नहीं हो गया। आप तो वैसे ही धोते थे, इससे पहले क्या हम धोते नहीं थे? हम धोते थे अपनी दालों को, हम सब चीज़ों को वॉश करके तभी तो बनाते हैं, तो वही चीज़ अब भी है। तो इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि डरे नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे मुँह के अंदर ही जीवन, तुम्हारे मुँह के अंदर मृत्यु है। अगर तुम सारा दिन डरते रहोगे, हाय कोरोना, हाय तुझे ना हो जाए, हाय ऐसा ना कर, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप जीवन की बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपका पोर्शन नहीं है, ये आपका हिस्सा नहीं है, तो आप नहीं डरोगे, तो वो चीज़ कभी इम्पैक्ट नहीं करेगी। क्यों क्यों बार बार लिखा गया डरो मत? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि लोग डरेंगे और आपको बहुत डराया जाएगा। आपको ऐसे न्यूज़, आपको सारा दिन डेविल आपके कानों में बात करेगा, चाहे वो न्यूज़ चैनल से बात करे, चाहे किसी और तरीके से बात करे, वो आपको डराएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, अगर आप मसीह में हो, अगर आप प्रभु में हो, तो आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है, विजडम से काम लेना है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से, उस नॉलेज से, उस विजडम को बढ़ाते हुए, साफ सुथरे तरीके से आपको अपने जीवन को जीना है, और उस जीवन शैली को अपनाते हुए आपने हेल्दी रहना, यही मेरा कहना होगा। तो आपको कोरोना से, एंड में मैं सबको बोलूंगी, आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है। आपको फेक न्यूज सारा दिन नहीं सुननी है कि क्या हो रहा है, आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखना है। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, आप नेगेटिव खबरों की ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्प्रेड की जाती है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैलाई जाती है, इंसान उससे बीमार होता है। इंसान किसी वायरस से उतना बीमार नहीं होता जितना वो खबरों को और गलत न्यूज़ को सुनने से होता है। उसको वही सच लगने लग जाता है और वही सिम्टम्स बहुत सारे उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, उसके दिमाग पे वो चीज़ें असर करनी शुरू हो जाती हैं और उसको लगने लग जाता है ये तो मेरी बॉडी में है, और वो गलत कन्फेशन करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो ये सब बातों से हमें परे रहना और दूर रहना, हमें सही अपनी डाइट एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए और अच्छे से अपने वचन के ऊपर मेडिटेट करते हुए कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। परमेश्वर ने हमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो हमें यूं महामारियों से उड़ा के ले जाएगा, नहीं, ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये ना ही ये हमारा पोर्शन है, ना ही ये और भाई बहनों का पोर्शन है। वचन संहिता 91 में परमेश्वर ने इसको बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा हिस्सा है ही नहीं है, ये हमारा पोर्शन नहीं है, बस हमें विजडम से काम लेना। तो डॉक्टर प्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम जानकारी को देने के लिए। तो हमारी ये कोशिश थी कि जो डर है उसे दूर किया जाए और बचाव के लिए जो सही जानकारी है उसे आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और दर्शकों, आपसे कहना चाहूँगी कि इस बात का खास ध्यान रखें कि जो जानकारी का सोर्स है वो सही हो, क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमारी सुरक्षा के लिए जो हमारा कवच है, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है, उसे मजबूत किया जाए। और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल प्रार्थना भवन TV को। तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में हेल्थ से जुड़े एक नए विषय को लेकर डॉक्टर पी जी के साथ। तब तक के लिए कोरोना वायरस से सजग रहें, सतर्क रहें। सबको